चना दाल 400 ग्राम, चने की दाल को अच्छे से साफ कर लिया है पानी से। अब इसमें पानी, नमक, हल्दी, हींग, हरा मिर्चा डाल के सीटी लगा लेंगे 4-5, बॉईल कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आटा है, इसमें नमक, अजवाइन, कलौंजी, रिफाइंड ऑयल डाल के इसका अच्छा सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे और 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। दाल बॉइल्ड हो चुका है। अगर आप चाहें तो पहले मिक्सर में चला लें, फिर कढ़ाई में डाल के इसका पानी सुखा लें, लेकिन मैं डायरेक्ट डालूँगी कढ़ाई में। अगर आप चाहें तो मेरी तरह कर लें। हाँ, हींग डालना कभी ना भूलें जब भी आप बॉईल करने जा रहे हो दाल। अगर आपको यहाँ पे पूरन पुली बनाना हो तो इस समय आप गन्ने का गुड़, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर डाल दें तो आपका पूरन पुली रेडी हो जाएगा, उसका जो दाल है वो रेडी हो जाएगा और सारा जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा। अगर आपका यूपी और बिहार की तरफ बनाना है तो आपको इस समय कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ लास्ट में जब ये जैसे ऐसे हो जाए तो यहाँ पे गोटा जीरा यानी खड़ा हुआ जीरा डालना है और मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर रहा है, क्योंकि मैं आज एमपी और राजस्थान स्टाइल में बना रही हूँ इसीलिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका डाउट जो है मैं क्लियर कर पाई हूँ। नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और तो मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी इस पे ही। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर ले रही हूँ दाल को, क्योंकि जो हम आटे का लोई लेंगे तो सब में एक बराबर जाए। इस अगर यूपी बिहार की तरफ बनाएंगे तो मोटी रोटी जैसे बनती है वैसे बनाएंगे और तवे पे सेक लेंगे और फिर उसको पूड़ी की तरह छान लेंगे, बस यही फ़र्क होता है। एमपी और राजस्थान में एक जैसा बनता है और यूपी बिहार में एक जैसा बनता है, फ़र्क यही है और कुछ नहीं है। और पूरन पूली तो ऐसे ही बनता है, सिर्फ उसमें गुड़, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर ऐड होता है उसके दाल में। तो ये सब ध्यान रखिए और कुछ भी नहीं, सब एक ही जैसा होता है। और तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो को देखें। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सॉफ्ट भी बनता है।